5 किलोमीटर जितना चल दिए और 4.4 किलोमीटर और चलना है 1 घंटे और 35 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों। तो आज जाने वाले वहाँ पे ग्लेशियर्स पर। तो यहाँ से समथिंग 9 किलोमीटर है, बट लोग बोलते हैं 10 किलोमीटर जितना पकड़ के चलो, रिटर्न 20। ये ना समझ लीजिए 3 घंटे जाने में, 3 घंटे आने में। तो बेटर है कि जल्दी निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 9:30 हो चुके मॉर्निंग के, और यही टाइम सबसे बेस्ट है। और ऊपर से आज मौसम बहुत अच्छा है। कल रात में बारिश हुई, पर अभी मौसम बहुत अच्छा है। मैं जैकेट वैकेट ले लिया, क्योंकि मालूम है मुझे क्या वहाँ फटने वाली है भाई, और ठंडा है मौसम, और अभी भी मेरे को ठंड लग रही है। तो निकलते हैं, सबसे पहले मैप खोलता हूँ और जाने का रास्ता देखता हूँ। ओके, तो कल कैफे वाले, जहाँ कैफे में बैठा था ना, मैं वाईफाई चला रहा था, तो उन्होंने भी बोला क्या इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जितना बोल रहे हो कम लगेगा, क्योंकि आप यंग एज हो तो फटाफट निकल जाओगे। और वेदर बोले देख के निकलना, कहीं बारिश होगी तो मत जाना करके, ऐसा बोला था। मगर अभी तो वेदर पूरा क्लियर है, सही है ना। ये टाइम पे निकलना बेटर है यार। अंकल कल बता रहे थे कि यहाँ पे ना मई के महीने के अंदर भी 5-5 मीटर जितनी बर्फ जमी हुई रहती है, और यहाँ पे इतना नुकसान होता है, हर साल नुकसान बोले तो इतना होता है कि लोगों को रिकंस्ट्रक्ट वापिस से करना पड़ता है यहाँ पे। गर्मी स्टार्ट हो गई थी भाई, इसलिए जैकेट उतार दिया। और अंकल कल बता रहे थे यहाँ पे वुल्फ बहुत सारे हैं, इसके लिए यहाँ के कुत्ते भी बहुत बड़े बड़े। कल कभी आप सर्च करना गूगल के ऊपर जॉर्जियन डॉग करके, वो इतने बड़े बड़े ना कि इंसान के साइज़ के कुत्ते हैं यहाँ पे। वो प्रोटेक्ट करते हैं यहाँ के जो एनिमल्स है ना, एनिमल्स को वुल्फ से, और वही कुत्ते हैं जिनके अंदर काबिलियत है वुल्फ से लड़ने की। तो अंकल वही बता रहे थे कि यहाँ पे वुल्फ भी है, मगर हर जगह पे नहीं है, कोई कोई जगह। ये लिखा हुआ है खारा ग्लेशियर 7.9 किलोमीटर, 2 hours 35 minutes। अभी तो ऐसा लग रहा है जंगलों के बीच में घुस रहा हूँ मैं। आधा रास्ता पूरा क्लियर था, अभी आधा रास्ता जंगलों के बीच में। ग्लेशियर। अभी जाने के लिए रास्ता किधर से मिलेगा, पूरा पानी। ओहो, पानी तो बहुत ठंडा है। ओ भाई साहब, पूरा बर्फ है। मेरा पैर सुन मार गया। ये एक पॉइंट आ गया जहाँ तक व्हीकल आती है, और यहाँ से समथिंग 1 या 1.5 किलोमीटर है जो बाय वॉकिंग करके जाना पड़ता है यहाँ पर। और ये कैफे जैसा बना रखा है, लोग ने पीछे साइड देख रहे होंगे। और यहाँ पे लोग लास्ट व्हीकल का पॉइंट यहीं पे, उसके बाद से सीधा यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। पूरा ग्रुप है, कहाँ से आया पता नहीं, पर पूरा ग्रुप टूर के लिए आया है। और वहाँ पे कुत्ता है यार, इतना बड़ा है साला, हर जगह है ये। बस ये पॉइंट से स्टार्टिंग होता है वॉकिंग पॉइंट, हर किसी को यहाँ से ट्रैकिंग ही करना पड़ेगा। बाकी हॉर्स राइडिंग जा सकते हो, क्योंकि हॉर्स जा सकता है यहाँ से, कार का तो रास्ता है ही नहीं यहाँ से।
तो हॉर्स राइडिंग ही है। कभी आपको चलना नहीं है ज़्यादा, तो कभी आपको ट्रैकिंग का शौक है, चलिए। क्योंकि ट्रैकिंग के अंदर एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा क्या मिलता है पता है, इंसान एक एक चीज़ देखते देखते जाते हैं और व्हीकल के अंदर फटाफट पहुंच जाता है एक डेस्टिनेशन, यानी उसके लिए जो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है ना वही इंपॉर्टेंस है। और ट्रैकिंग के अंदर हर डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन है, यानी पूरा नेचर से बात होती है कि हाँ इधर ये चीज़ है उधर वो चीज़ है। अरे खूबसूरती देख लो, ये जंगल जैसा रास्ता है और लोगों के पास एक गाइड था, तो दो रास्ते, एक ऊपर जाने के लिए भी रास्ता था और एक इधर स्ट्रेट, तो स्ट्रेट जाने के लिए जो रास्ता है ना वो रास्ते के ऊपर से जा रहे हो, पूरा जंगल टाइप रास्ता है यार, बहुत अच्छा है लुक है। और लोग के पास गाइड है, लोग पूरा ग्रुप है यार। रास्ता देख लो भाई, पूरा जंगल है, ऐसा लग रहा है जंगल में ट्रैकिंग कर रहा हूँ मैं। ये है किधर साइड में ट्रैकिंग तो कर रहे हैं, डेंजरस जगह दिख रही। ओह एक जंगल से निकला दूसरे जंगल में चालू, क्या ही है भाई। उधर तो इतना कंफ्यूज था ना भाई, मैं क्या बोलूँ, ऐसा लग रहा था ना कि जाना है नहीं जाना है, इतना दूर तो आ चुका हूँ मैं मगर रास्ता नहीं पता है। वो गाइड था उन लोगों के साथ, उन लोगों को पता था, उसके लिए उन लोगों के साथ जंगलों के बीच में भी घुस गया, बाकी तो फट रही थी यार, तो जंगल ही ऐसा दिख रहा है वो। बाकी यहाँ डेली रूट तो है ही है, देखते हैं। हालत तो बहुत ख़राब हो गई, ये दिखाने का सिर्फ 9 किलोमीटर यार, 10-12 किलोमीटर तो है ये, 12 किलोमीटर तो है। और ये पीछे ये ग्लेशियर्स, इन द लास्ट, पहुंच गया। अभी जल्दी से वहां पहुंचू और थोड़ा रेस्ट करूंगा यार। भाई ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, ये दिख रहा है इतना नज़दीक है मगर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, कितना तो चल दिया यार। इन द लास्ट पहुंच गया ग्लेशियर के पास, तो ये पहाड़ देख लो भाई, सिर्फ बर्फ़ का पहाड़ है ये, मैं देखो जूम करके बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा देर यहाँ पे रुकने का कुछ फ़ायदा नहीं है, गर्मी ज़्यादा है और ये ग्लेशियर ये सिर्फ इसको टच करने तो मिलेगा नहीं ना, अपने पास ड्रोन्स है क्या, ड्रोन शॉट लेके चलो निकलते हैं। और यहाँ पे पत्थरों के अंदर आयरन्स बहुत है, तो यहाँ के जो पानी जाता ना बह के उसके अंदर आयरन्स बहुत है, लोग इसके लिए बोलते हैं गाँव वाले के ये पानी पिया करो। फटाफट पहुँचू यार मैं, बहुत थकान लग रही है, और पहले तो पानी की प्यास लग रही है, वो जो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर के ऊपर जो वो रेस्टोरेंट है वहाँ से पानी लेता हूँ पहले तो। भाई 5 लारी का पानी, ऐसी जगह पे 5 लीटर का पानी मिला और बॉटल इतनी। देखें आपको अभी रियल साइज़ बता दूँ मैं कुत्ते का, ठीक है, यहीं पे बैठा हुआ है। ओके देखिए कुत्तों का साइज़ देख लो,
लगता है कि भालू है, देख लो शेयर्स का माउंटेन है यार ये, बस समझ लो। ओके एक जगह बैठ रहा हूँ ना तो हवा बहुत ठंडा लग रहा है, ठंडी ठंडी चल रही है, होठ एकदम सूख जा रहे, मगर जब चल रहा हूँ ना ऐसा और ये सनी रेज बहुत खतरनाक ऐसा लग रहा है, गर्मी है यार अजीब है। चलो फटाफट चलते और घर पहुँच के यहीं पे वीडियो एंड करते। और ये था स्खारा ग्लेशियर, याद है स्खारा ग्लेशियर, तो स्खारा ग्लेशियर का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे और कल के दिन निकलूँगा मैं मेस्तिया के लिए जाऊँगा। मेस्तिया एक दिन पूरा घूमूँगा और परसों के दिन फिर मैं दूसरी जगह प्लान करूँगा। सो प्लान अभी तो यहीं तक है, फिर उसके बाद कहाँ जाऊँगा ये डिसाइड नहीं किया हूँ, बस पहले मेस्तिया पहुँचता हूँ, मेस्तिया के बाद देखते क्या करना है। अब मेस्तिया भी किस तरह जाना है वो भी चेक करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते, उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में।